डिमांड को फुलफिल कर लेने से, तो उसमें आप जब हम मेरा डिमांड जब मेरा ग्रीवेंसेस को जब गवर्नमेंट एड्रेस कर देगा तो तो बनकर कॉलअप ही होगा, आप कहीं में भी देखो। तो उसके बाद डिमांड फुलफिल नहीं करने से हम लोग बनकर स्टैंड रहेगा। आज अफसू और अंशु होम मिनिस्टर का साथ में हम लोग मीटिंग था एस्पेरेंट लोग को लेके, तो हम लोग बहुत सा पॉइंट में डिस्कस किया, बट देन गवर्नमेंट हैज़ डन सम रिड्रेस कि हम लोग का कुछ कुछ ग्रीवेंसेस को रिड्रेस किया, और हम लोग को फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं लगा। दैट्स व्हाई हम लोग अफसू और अंशु मिल के बर्न कॉल डिक्लार कर दिया 12 आवर्स का 2 तारीख को। इसका कारण ये है कि अभी अरुणाचल में एपीसीएस पेपर लीकेज इश्यू से ज़्यादा बढ़कर इश्यू तो है ही नहीं हम यूथ्स के लिए। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि हम बौद्ध ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग का इस बार का ये मानना है कि किसी भी हालत में आर या पार ये एपीसीएस का जितना मेंबर्स है वो क्लीन होना है, और साथ ही साथ ये जो एपीसीएस में जो भी काल को इंटरव्यू कंडक्ट करेगा, एग्जाम कंडक्ट करेगा, उसको मेरा यंग जनरेशन जो जो एस्पिरेंट है, जो स्टूडेंट है, वो लोग कॉन्फिडेंट रहना है, और इसलिए वो लोग सिंसियरली काल को जो मेरिट्स होगा जो डिजर्व करता है वो काल को जाके उसको नौकरी मिलना है। सो इसका कारण हम लोग का ये है कि जो एपीसीएस का स्पेशली ये जो है कि एपीसीएस का जो मेंबर्स है तो ऑन मॉरल ग्राउंड में नाबुम निपो सर ने रिजिग्नेशन दे दिया, उसके लिए हम लोग भी बहुत थैंकफुल है। और सेकेंड थिंग यहाँ पे जो 4 मेंबर्स है उसको हम लोग चाहते हैं कि आप सब भी रिजिग्नेशन देने से ठीक है मॉरल ग्राउंड में, क्योंकि आप लोग का अभी ऐसे है कि मेंबर्स के ऊपर में अभी कोई एस्पिरेंट लोग भरोसा नहीं कर रहा है, ट्रस्ट बिल्डअप नहीं हो पा रहा है। सो दैट हम लोग क्या चाहते हैं कि एपीसीएस को ओवरऑलिंग करना है, और जितना है एपीसीएस आपका स्वतः से स्टाफ से लेके आपका चेयरमैन लेवल तक का हम लोग को क्लीन चाहिए। तो इसके लिए और उसके साथ साथ में क्या है कि अभी ये एपीसीएस इश्यूज को लेके एसआईसी ने केस को टेकअप किया, बट देन आज तक एसआईसी का पैक फाइंडिंग्स क्या है, कौन सा स्टेप में उसका इंक्वायरी चल रहा है, इसको हम लोग पब्लिक को जानना है। ताकि ऐसा बहुत सा इंस्टेंसेस है जहाँ पे एसआईसी हम केस को टेकअप किया इंक्वायरी कर रहा है बोलता है कुछ रिपोर्ट नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या चाहते हैं कि जो भी स्टेप्स में अभी है उसका पैक्स फाइंडिंग को पब्लिक करना है। और उसके बाद सेकेंड थिंग जो है कि जो अभी एपीसीएस पिस्को को लेके एक कैबिनेट सीटिंग हुआ, तो उसमें कैबिनेट में डिसीजन क्या था और दैट शुड बी पब्लिक। उसके साथ साथ क्या है कि अभी हम लोग को ऐसे सुनने में आया है कि ये गवर्नमेंट भी शायद इंटरेस्टेड था इसके लिए, गवर्नमेंट के थ्रू बहुत सारा कम्युनिटी लीडर्स लोग को जो जो मेंबर्स उस कम्युनिटी से बिलोंग करता है उसको निगोशिएशन मॉरल ग्राउंड में निगोशिएशन के लिए शायद मीडिएटर भेजा था, बट देन स्टिल दे आर रिलक्टेंट टू डू। तो हम लोग ये मानना है कि एपीसीएस एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो इसमें क्या है कि गवर्नमेंट में एम्बिट में नहीं आता है तो आप गवर्नर का एम्बिट में आप कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है तो आप गवर्नर आप इनिशिएट क्यों नहीं करता है। तो इसके लिए हम लोग गवर्नर को हम लोग रिप्रेजेंटेशन भी दे चुके हैं, और उसके बाद 3 या 4 डेज से हम लोग उसको अपॉइंटमेंट भी मांगा, तो गवर्नर ने भी आज तक अपॉइंटमेंट का हम लोग को कुछ रेस्पॉन्स नहीं आया। इसके लिए हम लोग 12 आवर्स का बंद कॉल डिमांड किया, और हम लोग का चार्टर ऑफ डिमांड्स हम अभी जो बोल रहे हुई है। तो सर बेसिकली मेरे ख्याल से आप लोग ये 4 बार हो चुके हैं मीटिंग कर चुके कॉन्टिन्यूसली गवर्नमेंट के साथ में, तो इनमें से सर कुछ भी सर आप लोग का मतलब डिमांड को बिल्कुल माना नहीं जा रहा है, ये स्टेप लेना पड़ रहा है कि आप लोग ये जो बनकोल नहीं ऐसा भी नहीं है। तो इसमें जैसे कि आपका सेक्रेटरी एपीसीएस उसको सस्पेंड कर दिया, उसका बाद सीओई को सस्पेंड कर दिया, और उसका बाद एक अंडर सेक्रेटरी को किया, उसके बाद ताकेत जरांग तामा सारो वो जो लाइन का है उन लोग को सबको सस्पेंड किया, उसके साथ साथ एक तो मिसेस क्या एक लेडी एक जई को भी टर्मिनेट किया, तो और उसके साथ साथ
अभी हम लोग को जितना ये करने से भी कुछ हद तक हम लोग को सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो हम लोग क्या चाहता है कि एपीसीएस को ओवरऑल करना है, क्योंकि एपीसीएस जो क्लीन होना है तो उसके बाद नया बॉडी बनना है, उसमें पुराना एक भी आदमी नहीं रहना चाहिए स्टाफ में। तो सर जैसे अभी ठीक ना आपने अच्छे से कह दिया है, तो आखिरी में मतलब एक्सपीरियंस को क्या पब्लिक को जो बंद कोल के बारे में ऐसे क्या मैसेज अच्छे से देना चाहेंगे फाइनली? ना एक्चुअली ये बंद कोल तो हम लोग 12 आवर्स का 2 तारीख को डिक्लेयर कर दिया, तो पब्लिक को हम लोग का ये कहना चाहेगा कि आप सब को हम लोग को कोऑपरेट कीजिए, क्योंकि ये हम मेरा लिए भी कल को आपके लिए भी कल को सब के लिए अरुणाचली के लिए हम लोग का फ्यूचर जनरेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या है कि उसको लॉफुली हम लोग जो भी बंद कॉल किया जाएगा उसको जो डिसेंट वे में, ये नहीं है कि हम लोग तो ये इनकरेज तो नहीं करेगा कि आप जहाँ पे मिलो आप स्ट्रीट लाइट पोड़ दो ये कर दो, वो तो हम नहीं बोलेगा, बट देन हम लोग का जो बंद कॉल को कोऑपरेट कीजिए ताकि सक्सेसफुल रहे, क्योंकि सम एक्सटेंड क्या हो जाता है कि गवर्नमेंट को कभी कभी हम लोग डेमोक्रेटिकली पब्लिक रेफरेंडम दिखाना बहुत ज़रूरी है ये डेमोक्रेटिक कंट्री में, तो इसके लिए हम लोग को ये लास्ट रिजॉर्ट है हम लोग का भी, देयर इज़ नो ऑप्शन, दैट्स व्हाई हम लोग ये क्या बोलते हैं कि बंद कॉल डिक्लेयर करना पड़ गया। तो सर क्या ऐसे भी हो सकता है कि अभी जो 7 दिन बाकी है शायद आप लोग का जो बंद कॉल होने जा रहा है, तो इसमें अगर गवर्नमेंट से आप लोग को कुछ अच्छा इंटरेस्ट आप लोग का ऊपर में जो डिमांड से थोड़ा फुलफिल किया जाता है, आप लोग क्या बंद कॉल को ऑफ कर सकते हैं ना डिमांड को फुलफिल कर लेने से? तो उसमें आप जब हम मेरा डिमांड जब मेरा ग्रीवेंसेस को जब गवर्नमेंट एड्रेस कर देगा तो बंद कॉल कॉल ऑफ ही होगा, आप कहीं में भी देखो, तो उसके बाद डिमांड फुलफिल नहीं करने से हम लोग बंद कॉल स्टैंड रहेगा।